everyone. Good evening. सब लोग फटाफट प्रेजेंट 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 लिखते जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। I'm fine, thank you so much. चलो आज तो पहले हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। मेरे पास विंडोज आई गेस 10 ही है। क्यों? एक्सरसाइज अभी रुको, अभी तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट छोड़ा है, वो भी तो पढ़ना है। एक्सरसाइज को टाइम है अभी, स्टार्टिंग के डेफिनेशंस वगैरह कौन पढ़ेगा? चलो जहां तक मुझे याद आ रहा है ट्रेड साइकिल तक हमने पढ़ लिया था, राइट? यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है जो आपने 10th में पढ़ी थी, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी फ्लक्चुएशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब ट्रेड साइकिल की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट आई। जब रिसेशन आया तो लोगों ने कॉस्ट कटिंग करके एम्प्लॉयज को निकाल दिया, और जब इन्फ्लेशन आता है तो हम लोगों को ज्यादा हायर कर लेते हैं, हाई पेमेंट भी देते हैं उनको। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ये ट्रेड साइकिल के कारण आई है तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। मतलब वो साइकिल खत्म होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी, उसका मीनिंग ऐसा होता है। तो नहीं, ये टॉपिक खत्म होगा और उसके बाद ये बाकी है ना हमारा। मैंने आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं पढ़ाया ना अभी, तो एक्सरसाइज को तो टाइम है अभी, तो पहले ये पढ़ेंगे हम, ये पूरा समझेंगे, फिर आई विल रिवाइज ऐसा। तो आई जस्ट सेड आई विल जस्ट कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल रिवाइज। तो आई गेस एक्सरसाइज आज नहीं होगी, एक्सरसाइज कल होगी, टाइम मिला तो कर लेंगे। चलो दो कॉन्सेप्ट और बाकी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले आप बताओ, आपको क्या लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम वर्ड्स हैं? इनको इंटरचेंज करके यूज किए जा सकते हैं या कुछ डिफरेंस है? अब ये मत बोलना कि बुक में दिए हैं तो अलग ही होंगे, वो जाने दो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या डिफरेंस है? क्या ग्रोथ मतलब भी बढ़ना, डेवलपमेंट मतलब भी बढ़ना, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्रोथ मतलब बिजनेस को बढ़ाना, ओके, और डेवलपमेंट मतलब? ग्रोथ मतलब नेचुरल तरीके से बढ़ना। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ये करेक्ट है।
और डेवलपमेंट मतलब क्या? ग्रोथ इज इक्वल टू एक्सपेंशन, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनोवेशन. यस, वेरी ट्रू. डेवलपमेंट में क्वालिटी पे फोकस किया जाता है. नहीं, उल्टा बोला तुमने रोहित पवार. डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग क्वालिटी, दैट इज करेक्ट. डेवलपमेंट मतलब ही ग्रोथ करना. ओके, यानी कि रेशम का बोलना है कि वो दोनों सेम है. डेवलपमेंट मीन्स इनोवेशन. ओके ओके, हाँ ठीक है, मतलब पता है आपको. ओके फाइन. देखो, ऐसे देखा जाए तो ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना होता है, डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना होता है. डिफरेंस क्या होता है? ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके लिए हमें अलग से स्पेशल एफर्ट नहीं डालने पड़ते. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलो या फिर वो साइकिल की वजह से ग्रोथ हो ही जाती है. जैसे कि सपोज इफ मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ, और मैं सपोज इफ कोई डेली नीड का आइटम, सपोज इफ आई एम सेलिंग सॉल्ट, सॉल्ट मैं सेल करती हूँ, तो हर किसी को इसकी नीड होती है, सॉल्ट की नीड होती है. तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मान के चलो मैंने 80s में बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा मानो 1980 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और अभी 2020 चल रहा है. तो 1980 में सपोज इफ पॉपुलेशन थी 50 करोड़ के आसपास, तो 50 करोड़ लोग थे जो ये सॉल्ट की डिमांड करते थे मुझसे. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ गई, तो मैंने कोई मेहनत नहीं की मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए. पॉपुलेशन बढ़ गई तो सॉल्ट की डिमांड अपने आप बढ़ गई. इसको आप बोल सकते हैं ग्रोथ. हमने कोई एफर्ट नहीं किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिक चीजें चेंज हुई, और वो चेंजेस होने से ग्रोथ हो गई. दैट इज नोन एज ग्रोथ. यानी कि सिर्फ नंबर में इंक्रीज हुआ है जो ऑटोमेटिक हुआ है, उसमें भी हमने एफर्ट नहीं डाले हैं. गॉट दिस पॉइंट? ग्रोथ. अब आंसर मत दो, इधर ध्यान दो. ग्रोथ का मतलब समझा सबको? ओके, तो डेवलपमेंट क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ तो ऑटोमेटिक हो जाती है जो न्यूमरिक होती है, नंबर्स में बढ़ना. इसमें हम खुद एफर्ट नहीं डालते हैं, डेवलपमेंट ह्यूमन एफर्ट्स के कारण होता है. तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चलो, माइट भी नंबर्स में ना बढ़ा हो सकता है, नंबर्स में बड़ा भी हो, दोनों भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट में हम बेसिकली क्वालिटी पर ध्यान देते हैं. जो सॉल्ट पहले में थोड़ी लोअर क्वालिटी का सेल कर रही थी, अब मैंने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अपग्रेड किया, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, तो ये एफर्ट डाल के किया जाता है, इसको बोला जाता है डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, क्योंकि हम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम अपना रहने का तरीका, प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका सब चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों की क्वालिटी अपग्रेड कर रहे हैं. ये इनोवेशन के कारण होता है, रिसर्च के कारण होता है, और इनोवेशन और रिसर्च में ह्यूमन एफर्ट लगता है. तो डेवलपमेंट इज डन थ्रू ह्यूमन एफर्ट, ग्रोथ इज ऑटोमेटिक. तो ग्रोथ नंबर्स में होती है, यानी क्वांटिटी वाइज अगर ग्रोथ हुई है सिर्फ, तो उसको बोला जाता है ग्रोथ, और क्वालिटी वाइज कोई चीज इंप्रूव हुई है तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट. ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आए क्या? तो यही फंडा आप इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव डायमेंशन, नंबर में कोई चीज ऑटोमेटिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गई. तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इनकम, अब हम कहीं पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हम तो वही काम कर रहे हैं, हमारे काम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, हमारी डिग्री में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, किसी भी चीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैलरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? स्टार्टिंग किया था हमने 50 साल पहले, तो तब 10 हजार सैलरी थी, तो धीरे 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 करके 50 हजार तक तो पहुंच ही जाएंगे ना, वही काम करते हुए भी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ है. और अगर हमने आप हमारे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए, कुछ किया, तो उस वजह से हमारी वैल्यू बढ़ी और उस वजह से वो इनकम बढ़ी, तो उसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज डेवलपमेंट. क्वालिटी में इंप्रूवमेंट इज डेवलपमेंट और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट इज ग्रोथ. तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब जो ग्रोथ होती है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड होती है, और डेवलपमेंट हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जितने एफर्ट डालेंगे उतना डेवलपमेंट उतना फास्ट कर पाएंगे. तो डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच हैज क्वालिटेटिव डायमेंशन. यहाँ पर क्या वर्ड यूज करना है? क्वांटिटेटिव डायमेंशन. एंड इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज क्वालिटेटिव डायमेंशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लॉयज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट. अभी देखो, डेवलपमेंट में ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी,
बट ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आएगा, मतलब डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है जो ग्रोथ को इंक्लूड करता है, बट ग्रोथ नैरो टर्म है जो डेवलपमेंट को इंक्लूड नहीं करती है। तो देखो यहाँ पर डेवलपमेंट मेजर करने का तरीका, डिटरमिनेशन ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल, लाइक एजुकेशन इंप्रूवमेंट हुआ, हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, देख लो एक बार, ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ आपको। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, मतलब क्वांटिटी वाइज नेशनल इनकम बढ़ना, उसको ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, मतलब कुछ चीजों में हमने प्रोग्रेसिव चेंजेस किए हैं, चीजों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, लोगों के लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, तो दैट इज डेवलपमेंट। क्या रिपीट करूं अनन्या, विच वन यू वॉन्ट मी टू रिपीट? हाँ, डेवलपमेंट में प्रोग्रेस होता है और वो प्रोग्रेसिव चेंजेस मतलब एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है। तो सेकंड इसमें लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। नैरो क्यों? क्योंकि ग्रोथ में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं होता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड होती है, तो इसलिए डेवलपमेंट इज ब्रॉडर, ग्रोथ इज नैरो। और क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में बढ़ना ग्रोथ, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी में बढ़ना डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल है लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी चीज को डेवलप करना है तो उसको नंबर्स में बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ही डेवलपमेंट होगा। फाइंड आउट वाली एक्सरसाइज में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का आंसर, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हो क्या आप? Only which is given in textbook. ठीक है, like I'll repeat it, अनन्या। First chapter की बात कर रहे हो क्या नमन? Balance of payment। Do reply, I'm waiting for it। अनन्या जो तुम बोल रही हो textbook वाला मैं repeat कर दूंगी। कौन सा फाइंड आउट? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये रह गया क्या? ये वाला बोल रहे थे आप, दिस वन क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गई ये। ठीक है एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो? ओके ओके ओके, चलो सबसे पहला ग्लोबल पॉवर्टी। हाँ, आई गॉट इट, आई एम रियली सॉरी। हाँ मैं भूल गई, मैं डायरेक्टली इस पर आ गई थी, वो आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक इट। ठीक है, हम लोग ये ले लेते हैं। ओके, ग्लोबल पॉवर्टी मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी आ रही है, मतलब ये मैक्रो लेवल पर देखा जा रहा है, तो दिस इज मैक्रो। ओके, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये माइक्रो का पार्ट है। अच्छा, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अभी देखो, पहले मैं बता देती हूँ ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली कैसे समझाऊं, आप लोगों ने लेजर पढ़ा है ना? लेजर सबने पढ़ा है, लेजर अकाउंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं मतलब क्या, लेजर नहीं पड़ा अकाउंट्स में? बाप बाप, कौन कौन नहीं लिख रहा? लेजर तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है आई गेस। तो अभी क्या चल रहा है, जर्नल एंट्री? क्या स्टार्टिंग जर्नल से हुई? क्या स्टार्टिंग लेजर से होती है ना? अच्छा ओके, ठीक है जाने दो, फिर लेजर से नहीं समझाती, फिर वो मुझे लेजर समझाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर वो लेजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेती मैं। अभी देखो बेसिकली होता क्या है, सपोज इफ कोई पर्सन है, जैसे कि ये एक पर्सन है जो बिजनेस करता है और दूसरा पर्सन है बी जिसके साथ ये बिजनेस करता है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे, कुछ लेना होगा कुछ देना होगा, तो
ये दोनों के ट्रांजेक्शन को हमने क्या किया, एक पार्ट में लिखा कि कितना लेना है, तो हमने एक पार्ट ये रिसीट वाला मान लिया समझो, ठीक है। तो एक पार्ट में लिखा कि बी से इतना पैसा आना है, दूसरे पार्ट में हमने लिखा कि बी को इतना पैसा देना है। और इन दोनों को अगर बैलेंस करने जाओगे तो एक साइड में कुछ तो डिफरेंस आएगा। सपोज इफ लेना जो है वो 1 लाख रुपया है और देना जो है वो 80,000 है, तो नेट नेट हमको बी से 20,000 रुपए लेना है, इसका ये मतलब निकला। ये पॉइंट समझा सबको? अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब लेजर पढ़ोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, मैम बैलेंस ऑफ पेमेंट में लेजर का नाम क्यों ले रही थी। अब ये 20,000 रुपए बेसिकली क्या है, इट इज दिस इज ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमने क्या किया, जितना लेना था और जितना देना था वो दोनों को नेट ऑफ करके फाइनली बैलेंस निकाला, कि बेसिकली हमें देना निकल रहा है या लेना निकल रहा है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये पॉइंट समझा आपको? अब यहां पर इंडिविजुअल बेसिस पर हम बी का लेजर बना रहे हैं, मतलब बी का ये ओवरऑल अकाउंट निकाल रहे हैं कि इससे इतना लेना है, इससे इतना देना है। तो ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट हो गया कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन का बैलेंस निकाल रहे हैं कि उसको एक्चुअली हमें देना है या उसको एक्चुअली हमें उसको एक्चुअली हमें देना है या उसको एक्चुअली हमें हमसे पैसे लेना है। और यही चीज जब कंट्री के लेवल पर होती है तो कंट्री के लेवल पर देखा जाता है कि किस कंट्री से कितना पैसा आना है और किस कंट्री को कितना पैसा देना है, तो वो जो नेट अमाउंट निकाला जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं समझा? अरे रे 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 क्या तुम लोग, सपोज इफ किसी पर्सन के साथ तुम्हारे कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी हो सकता है कि उसने उधारी में तुमसे माल लिया तो तुम्हारा लेना निकल रहा है, कभी हो सकता है कि तुमने उससे उधारी में माल लिया तो तुम्हारा देना निकल रहा है। तो एक दिन बैठे और हमने सारे ट्रांजेक्शन को एक पार्ट में लिखा, तो जो लेना निकल रहा था वो एक साइड लिखा, जो देना निकल रहा था वो एक साइड लिखा। ये समझा सबको? ऐसे दो पार्ट में हम चीजें लिख सकते हैं। मेरा कोई बी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो बी पर्सन को से मुझसे लेना, बी पर्सन से मुझे लेना इतना है जो 1 लाख रुपया निकलता है सारे ट्रांजेक्शन मिला के, और देना है वो 80,000 रुपये निकलता है। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? लेजर में बता तो, लेजर अभी पढ़ोगे तब समझेगा, ये यही लेजर है बस, आगे आप समझेंगे लेजर क्या होता है। ये दिस इज ओनली लेजर, एक पार्ट में हम जो आना है वो लिखते हैं, दूसरे पार्ट में जो देना है वो लिखते हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जितना हमको लेना है वो एक साइड लिख दिया, उस पर्टिकुलर पर्सन को हमको जितना देना है वो दूसरे साइड लिख दिया, तो फाइनली एक तरफ बैलेंस निकलेगा ना, दिस इज 20,000 रुपीज, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सारे ट्रांजेक्शन को नेट ऑफ करके हमने देखा कि बेसिकली निकल कितना रहा है, तो ये नॉर्मल बैलेंस है क्योंकि ये इंडिविजुअल का निकाला जा रहा है। जब कंट्री लेवल पर यही चीज होती है, कंट्री लेवल पर भी तो देखा जाता है हमारा किस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हुआ, किस कंट्री से कितना इम्पोर्ट हुआ, तो जिस कंट्री को एक्सपोर्ट किया वहां से पैसा आया होगा, जिस कंट्री को इम्पोर्ट किए जिस कंट्री से इम्पोर्ट किया उनको पैसा दिया होगा, तो नेट नेट फॉरेन कंट्री से क्या हुआ, आया ज्यादा या गया ज्यादा, नेट हमारा पैसा गया या आया, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स करेक्ट। समझ गया, थैंक गॉड, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये कंट्री लेवल पर होता है इसलिए इसको मैक्रो में लिखा। ओके, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म दिस इज माइक्रो, एक ही इंडिविजुअल फर्म का हम प्रॉफिट देख रहे हैं, माइक्रो है ये। और नेशनल इनकम, हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा बोलते हैं, जैसे तुम बोल रहे हो कि इंडिया के केस में इंपोर्ट ज्यादा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल है, मतलब हमें देना निकल रहा है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब हमारा लेना निकलेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, ऐसा बोला जाता है उसको। नेशनल इनकम ऑब्वियसली मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने पढ़ा ही है। चलो हो गया क्या, कम बैक हियर, ये वापस बता देती हूँ मैं।
ये तीन पॉइंट्स हमने डिफरेंस बिटवीन के देख लिए थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट इसमें तो मीनिंग ही लिखा हुआ है, वो आप लिख देंगे। और याद रखना डिफरेंस बिटवीन में एक कॉलम इधर बेसिस ऑफ डिफरेंस का आपको ऐड करना ही करना है, उसके बेसिस पर आप डिफरेंस लिखेंगे। तो नेक्स्ट वन ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। थर्ड वन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो चीज हो रही है उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं हम, मतलब वही चीज बढ़ रही है, तो उसके कोई दूसरे डायमेंशन नहीं है। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, तो अलग अलग डायमेंशन को देखकर हम डेवलपमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो इट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट इज अनडायमेंशनल। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। ग्रोथ स्पॉन्टेनियस होती है मतलब वो ऑटोमेटिक होती है, और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो वापस अगर बढ़ा है तो कम भी हो सकता है। और डेवलपमेंट डेलिबरेट होता है और इरिवर्सिबल होता है। डेलिबरेट मतलब डेवलपमेंट एफर्ट डाल के किया जाता है, और एक बार डेवलपमेंट हो गया तो वो रिवर्स नहीं होता, वो डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। ग्रोथ ऑटोमेटिक हुई थी तो आज सैलरी बढ़ी है तो कल कम भी हो सकती है, क्योंकि काम हम वही कर रहे हैं। डेवलपमेंट हमने एफर्ट डाल के किया है तो जो हो गया वो हो गया, वो डेवलपमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। और लास्ट वन इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल कैपिटल, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करना है तो आप देख सकते हैं कंट्री की पिछले साल इनकम कितनी थी, इस साल कितनी है, पर कैपिटा इनकम पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। तो बाकी सब काम वही हो रहे हैं, सिर्फ वो नंबर में अगर ग्रोथ हुई है तो आप ग्रोथ के हिसाब से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट देखकर देखा जाता है, मेजर किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ में क्या मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ा लोगों का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, नए प्रोडक्ट ऐड हुए क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया क्या, ये सब डेवलपमेंट में मेजर किया जाता है, नई सर्विसेज ऐड हुई क्या। तो ये छह डिफरेंसेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नहीं क्या क्या जरूरत है इको का गाइड लेने की? क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब हमको जो देखना है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो एकदम से स्टार्टिंग से समझाने जाओ तो नहीं समझ में आता। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने छोड़ा, इसका भी बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अलग अलग ऑथर्स ने क्या दिया है इकोनॉमिक्स पर अपना ओपिनियन दिया है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज इफ आप एक पार्टी में गए और पार्टी में एक सेलिब्रिटी आया, कौन से सेलिब्रिटी को बुलाना है पार्टी में बोलो। सोनू सूद, अक्षय कुमार। अरे रे रे रे, मैं सेलिब्रिटी नहीं है, मुझे टीचर ही रहने दो। अक्षय कुमार को बुलाते हैं, ठीक है। अब आप कितने लोग हैं ऑन एन एवरेज? 50 आर ऑनलाइन, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। आप सबके सब पार्टी में हैं, सब लोगों ने अक्षय कुमार को देखा, अक्षय कुमार ने जैसे ही एंट्री ली एवर सबकी आंखें उसी के ऊपर थी, सब लोग उसी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब किसी ने बोला कि अक्षय कुमार दिखने में बहुत अच्छा है, किसी ने बोला कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, किसी ने बोला कि बहुत हम्बल है, किसी को पसंद ही नहीं आया कि हमको उसका एटीट्यूड नहीं जमा, ज्यादा ही भाव खा रहा था। तो आप सब लोगों की ओपिनियन उसके बारे में सेम रहेगी या डिफर कर सकती है? एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन को सब एक साथ एक ही सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी सब अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे या सब सेम ओपिनियन देंगे? एक ही पर्सन के बारे में अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, यस? अच्छा चलो ठीक है, ये माना कि ठीक है हमारा अपना नजरिया देखने का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने ऑब्जर्व किया, हमको ये दिखा, हमने वो बोल दिया। अब आप में से पांच लोगों ने पांच तरह की ओपिनियन दी, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक की ओपिनियन सही है बाकी चार की गलत है, या सबकी एक साथ ओपिनियन सही भी हो सकती है? डिफरेंट ओपिनियन है वो, ऑल डिफरेंट ओपिनियन सबकी सही हो सकती है, या वो डिफरेंट ओपिनियन में से एक ही की ओपिनियन सही होगी?
चलो ये पॉइंट तो हमको समझा कि सबकी ओपिनियन डिफर कर सकती है, बट सब लोगों ने जो बोला वो सारा कुछ सही हो सकता है क्या? ऑल तो अलग अलग है, ऑल में भी करेक्ट है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक ही चीज है, एक ही सिचुएशन है, उस सबको एनालाइज करने का या ऑब्जर्व करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, और जिसने जैसा ऑब्जर्व किया उसने वैसा अपना स्टेटमेंट बना लिया. इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि पहला वाला गलत बोल रहा है, हम ये नहीं बोल सकते दूसरा वाला गलत बोल रहा है, सब अपनी जगह सही है. ये पॉइंट समझा आपको? ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया है बिकॉज अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को भी अलग अलग ऑथर ने ऑब्जर्व किया. अलग अलग ऑथर ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से देखा, और वो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी. किसी को लगता है इकोनॉमिक्स ए है, किसी को लगता है इकोनॉमिक्स बी है, किसी को लगता है इकोनॉमिक्स ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ इनका ओपिनियन डिफरेंट है. तो हर एक ने अपनी एक ओपिनियन दी है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हर एक ऑथर ने अपनी एक डेफिनेशन दी है. उसमें से जो फेमस ऑथर है उनकी तीन डेफिनेशन हमको यहाँ पर पढ़नी है. आया समझ में? सो हियर इकोनॉमिक्स के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, तो हम लोग देख लेते हैं किसके क्या व्यूज हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाला सही बोल रहा है दूसरा वाला गलत बोल रहा है. आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें होती है जो इन तीनों ने बोली है, तो हर किसी ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करके अपनी ओपिनियन दे दी है. हाँ, एग्जाम में कौन सी लिखी है? अगर नाम के साथ पूछी जाती है तो वही लिखना है जो जिसका नाम लिया है, तो यहाँ पर आप नाम के साथ सारी डेफिनेशन याद रखेंगे. अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको जिसकी पसंद है वो लिख सकते हो. एग्जाम में आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे तो देखो आपकी डेफिनेशन फिर कहीं ना कहीं बुक में छपनी चाहिए, तो उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज वो सही नहीं मानी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे और भी लोगों ने डेफिनेशन दी होगी, लेकिन ली उन्हीं लोगों की है जो तीन फेमस ऑथर है, तो आपको उतना पब्लिकली फेमस होना पड़ेगा, फिर आपकी डेफिनेशन आप लिख सकते. चलो कहाँ से स्टार्ट करें? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ये मैंने बता दिया था, बट यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ. हाँ, सो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो अब मैं यहां से लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये ऑलरेडी आप जानते हैं. इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है. अब ये इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया? सो द ऑरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया. एक ग्रीक वर्ड है ऑइकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. मतलब ग्रीक में हाउस होल्ड के मैनेजमेंट को ऑइकोनॉमिया बोलते हैं, और वहीं से ये वर्ड इकोनॉमिक्स आया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम ये मैनेजमेंट ही देखते हैं कि एक हाउस होल्ड का ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट कैसे होता है, तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ से डिराइव हुआ है. तो ये चीज याद रख लेना, फिल इन द ब्लैंक में पूछी जा सकती है या ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है. तो इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस, दिस इज सेड बाय पॉल सैम्यूलसन. एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के दो एस्पेक्ट होते हैं जो हम ओसीएम में पढ़ चुके हैं. एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ह्यूमन बिहेवियर करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता है. तो ये तो दोनों ह्यूमन बिहेवियर में आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन बिहेवियर. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स के स्कोप्स के बाहर है. हम यहाँ पर कौन सा बिहेवियर स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग का? इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है. मतलब पैसे कम है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी है जो हमने देखा, तो वो कम पैसों में कौन सी इच्छा को पूरा करना, कौन सी इच्छा को पूरा नहीं करना, ये सारी चीजों में वो बैलेंस कैसे बिठाता है, ये सारी चीजों की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है. आया पॉइंट समझ में? क्वीन ही क्यों, अब उनको लगा क्वीन है तो बोल दिया उन्होंने. अब ठीक है, उनके हिसाब से क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, तो ही थिंक्स की इकोनॉमिक्स एक बड़ा पार्ट है सोशल साइंस का, लेकिन पूरा सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में नहीं आता. तो एक मेजर पार्ट को क्वीन बोल सकते हैं ना, पूरे राज्य में राजा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन क्वीन का भी एक इंपॉर्टेंस होता है. दिस इज हाउ ही रिलेटेड इट.
सो इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट विथ लिमिटेड मीन्स. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम इस चीज की स्टडी करते हैं. देखो ह्यूमन बींग को तो जो करना है वो करते ही है. हमने सिर्फ क्या किया, स्टडी किया कि ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहता है. जैसे कि मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, जैसे कि सपोज इफ आपको 10,000 रुपए दिए गए, तो आप सब लोग उसको अलग अलग तरीके से खर्च करेंगे. हर किसी की प्रायोरिटी अलग होगी. कोई 10,000 रुपए पार्टी करने में खर्च कर देगा, कोई 10,000 में से कुछ सेविंग करेगा, कुछ जरूरत की चीजें खरीदेगा, कोई 10,000 की शॉपिंग कर लेगा, कोई 10,000 पूरे सेव करेगा, कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देगा. तो हर कोई वो 10,000 रुपए से कुछ अलग करेगा. हमने क्या किया, सबको स्टडी किया और वहां से कंक्लूजन निकाला कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बींग बिहेव कैसा करता है. ठीक है, तो वो कंक्लूजन हम अभी देखेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस. देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे और जो आपने पहले भी पढ़े होंगे. तो अब आप बताओ पढ़े हैं क्या. इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ये वर्ड कहीं सुने हैं क्या, उनका ऐसा बोलना है कि आप ये पहले पढ़ चुके हैं. तो माइट भी आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ा है क्या. पढ़ा है, सुना है. हाँ पहले ही बोल दो सुना है, ताकि आगे का तो पूछो ही मत मैम आप. हाँ तो अब थोड़ा बताओ क्या है 3 वर्ड्स. क्या मैंने नहीं पढ़े हैं तो आप मुझे थोड़ा मेरा नॉलेज अपडेट करो. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. 9th में है क्या, ओके सिविक्स में था. हाँ ठीक है, मतलब पढ़ा है ना, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे टाइम पर नहीं था सिविक्स वगैरह में, और था भी तो इतना पुराना, 10 साल हो गए मुझे याद नहीं आ रहा. बताओ बोला क्या है. वाह 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 वाह, भूल गए. मिक्स्ड इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर. ओके ओके ओके. हाँ वंशिता अप टू द मार्क है. कैपिटल में गवर्नमेंट करती है सब. ओके कैपिटल में गवर्नमेंट करती सब. और सोशलिज्म में कैपिटलिज्म प्राइवेट सेक्टर है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ना. सोशलिज्म में गवर्नमेंट करती सब. देखो मुझे तो ऐसा ही याद आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग. और मिक्स्ड में दोनों हो रहे थे, गवर्नमेंट भी रहती है प्राइवेट सेक्टर भी रहता है. सही है क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग. कैपिटलिज्म इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म में सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और मिक्स्ड में मिक्स्ड रहता है, दोनों भी रहते हैं. अमन इज सेइंग कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट रहती है और सोशलिज्म में पब्लिक रहती है. चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो ऐसा ही पढ़ लो. अगर मैं गलत होंगी तो थोड़ा आपको कंफर्म करके बता दूंगी. जहां तक मुझे पता है कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. देखो अभी यह कंफ्यूजन हो सकता है, बट आई गेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता. सब लोग प्राइवेटली अपने अपने हिसाब से अर्निंग करते हैं और खुद ही अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं. मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इकोनॉमी में. जो लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट के हिसाब से बाय सेल कर रहे हैं. जिसको मन आएगा तो खरीदेगा, नहीं मन आएगा तो नहीं खरीदेगा. जिसका मन आएगा उस रेट पर बेचेगा, नहीं मन आएगा तो नहीं बेचेगा. गवर्नमेंट हैज नो इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. दैट इज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. क्लियर हुआ आपको, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है. हमको जो करना है हम हमारे हिसाब से आपस में ट्रेड कर लेंगे. गवर्नमेंट को बोला कि तुम इंटरफेयर मत करो, हम हमारे हिसाब से हमको जैसा करना है वैसा करेंगे. नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट हैंड्स में कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट करती है. आप ट्रेडिंग करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे,
आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि आप मेहनत करके कितना भी कमाओ, सारा पैसा हमारे पास जमा करो, फिर हम डिसाइड करेंगे किसको कितना देना है कितना नहीं देना है। मतलब ओवरऑल हर चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स्ड में ऐसा होता है कुछ चीजें हमें इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दी जाती है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होती है, और कुछ चीजों में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहां पर प्राइवेट हैंड्स को मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंटर करने का चांस भी नहीं मिलता, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मिक्सड इकोनॉमी है, कुछ चीजों में इंडिविजुअल्स को फ्रीडम है और कुछ चीजों में गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, तो उसको बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी। हाँ, प्राइवेट भी बोल सकते हैं कैपिटलिज्म को, दैट्स करेक्ट। आया पॉइंट समझ में? तीनों इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म में लोग अपना अपना खुद ही मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। सोशलिज्म में सारी चीजें गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, लोगों का कुछ अपने मन से करने का कोई रोल नहीं है। और मिक्स्ड में दोनों है, कुछ चीजें गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और कुछ चीजें लोग खुद अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर उनका नाम रेफर किया है। इसको डिटेल में आप वापस सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो, अब अलग अलग व्यूज। तो सबसे पहले कौटिल्या के व्यू है इकोनॉमिक्स पर कुछ। तो कौटिल्या मतलब कौन? ही इज चाणक्य। सबने सुना है क्या इनका नाम चाणक्य का? कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का अच्छा ठीक है, माइंड भी की ये कुछ, मैं एक बार और चेक करके कंफर्म कर दूंगी। अगर मैंने उल्टा बोला है तो आप इतना समझ लो कि ठीक है, ये हम लोग कल क्लियर कर लेंगे। और बट जहां तक मुझे याद है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, प्राइवेट हैंड्स का रोल होता है, बट स्टिल आई विल कंफर्म इट टू यू। सिर्फ सुना है तो हाँ, सिर्फ सुना है तो मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ चाणक्य का। तो मौर्य समाज जो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद सम्राट अशोक, इन दोनों को बनाने के पीछे मेन रोल चाणक्य का था। मतलब इनको इतना बड़ा किंग बनाने के पीछे चाणक्य का रोल था। तो उस टाइम पर जो जो भी पर्सन पोजीशन में या पावर में बैठा हुआ था, वो पर्सन ओवरऑल पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, या पब्लिक उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, और चाणक्य को उसकी जगह पे किसी और को बिठाना था। अब वो उतना आसान नहीं होता है, लेकिन चाणक्य का काम क्या था? पहले स्कूल के जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है? तो वो गुरुकुल में भी बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी, जैसे पहले के सब्जेक्ट्स कैसे होते थे, फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स होता था, और फिर वॉर वगैरह होते थे तो उनको युद्ध वगैरह करना सिखाया जाता था। कुछ लोगों को मेडिसिन वगैरह में इंटरेस्ट होता था तो उनको आयुर्वेद वगैरह के जो एजुकेशन है वो दी जाती थी। तो ऐसे अलग अलग टीचर्स पहले गुरुकुल में हुआ करते थे, और वो अपनी अपनी फील्ड की चीजें जिस भी बच्चे को जो सीखना है वो उस हिसाब से सिखा देते थे। यहाँ पर एक गुरुकुल में जो मौर्य समाज में हुआ करता था, उस गुरुकुल में चाणक्य वॉज अ इकोनॉमिक्स टीचर, वो अर्थशास्त्र सिखाते थे बच्चों को, ठीक है? तो वो ओवरऑल अर्थशास्त्र क्या होता है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो हमें मैनेज करना होती है वो सब क्या होता है, वो सब एज अ टीचर गुरुकुल में वो सिखाते थे। तो उनके कुछ व्यूज हैं अर्थशास्त्र के ऊपर। तो उनका ऐसा बोलना है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोला जाता है, ठीक है? तो उनका ऐसा बोलना है, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है साइंस, यानी अर्थशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ मैनेजिंग वेल्थ। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं कि वेल्थ को एक्वायर कैसे किया जाता है और मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब कैसे हम अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं और कैसे उस बढ़ी हुई वेल्थ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोनों भी जरूरी है। देखो, टॉप पोजीशन पर पहुंचने का एक तरीका होता है और उस टॉप पोजीशन पर टिके रहने का भी अपना एक तरीका होता है, दोनों चीजें आनी चाहिए। अदरवाइज पता चला टॉप पर पहुंच तो गए बट वहां की पोजीशन हमसे हैंडल नहीं हुई तो वापस नीचे आ गए। तो ये दोनों चीजें हमको इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलती है। सो एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है एक स्पेशली बुक है, तो इट इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडर सेंस। तो उनके हिसाब से बेसिकली अगर हम इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स को कंबाइन कर दें तो अर्थशास्त्र आता है, मतलब कि ओवरऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री और उसमें गवर्नमेंट के रूल्स मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये दोनों को कंबाइन करके इकोनॉमी बनती है। इज इट क्लियर? हाँ, अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दैट्स करेक्ट। हाँ,
हाँ सीरियल थी उसके ऊपर, जिसने देखी होगी उसको काफी अच्छे से पता होगा कि कौटिल्या या चाणक्य कौन है। चलो यहाँ पर अभी मैं कंक्लूड करती हूँ, रिवीजन की बात हुई थी तो पहले रिवीजन कर लेते हैं और बचा हुआ हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ट्रीटीज मतलब इट्स अ स्पेशल बुक रिटर्न, अर्थशास्त्र मतलब एक ऐसी बुक जिसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, दैट इज ट्रीटीज। और ये जो है ना, ये ब्लू ब्लू कलर जो है ये जहां जहां पर भी है, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ग्लॉसरी फॉर यू, आपकी बुक के लास्ट में इन सब के मीनिंग दिए हुए हैं। चलो अभी यहां पर मैं एंड करती हूँ, कल हम ये बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी मैं फटाफट, अब बताओ कहाँ से रिवाइज करवाऊँ, वाइंड अप नहीं कर रही मैं लेक्चर, रिवाइज करवा रही हूँ, बाय मैम क्या। नहीं माइक्रो से तो करना ही है, बट वॉन्ट से करवाओ क्या? नहीं ना, कंटिन्यू नहीं करते तो जो बच्चों को रिवीजन करना है उनका छूट जाता है। कुछ बच्चे डेली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो फॉर देम आई नीड टू रिवाइज। तो कल कंटिन्यू करेंगे आगे का, कल जहां एंड किया था वहां से करवाओ क्या? आप बोलो, सब लोगों की इच्छा है कंटिन्यू करने की तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने बोला था कि मैम रिवीजन नहीं हुआ था तो रिवीजन भी करवाना है, तो इसलिए मैंने बोला था। वॉन्ट से ही चाहिए? ठीक है ठीक है। हाँ वॉन्ट से बहुत बहुत बार हो गया, वॉन्ट थोड़ा छोड़ देते ना, वॉन्ट बहुत बार पढ़ चुके मैं, गुड्स एंड सर्विसेज से रिवाइज कराती हूँ, लगा तो कल वॉन्ट रिवाइज करवा दूंगी, यहाँ से करवाती क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट से। चलो यहां से रिवाइज करते फटाफट। चलो यहां से रिवाइज करते, कल कल वापस पहले कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक खत्म करेंगे, फिर एक बार मैं आपको पूरा चैप्टर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करवा दूंगी। तो देखो वॉन्ट के क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। जो भी वॉन्ट पैसा देकर पूरी की जाती है वो इकोनॉमिक होती है, जो वॉन्ट बिना पैसा दिए पूरी हो जाती है उसको नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट बोलते हैं। दूसरा हमने देखा इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। जो वांट इंडिविजुअल लेवल पर सेटिस्फाई की जाती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, दैट इज इंडिविजुअल, और जो वांट सब लोगों की मिलाकर एक साथ सेटिस्फाई कर दी जाती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव वांट। और तीसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा, हमारी कुछ नेसेसिटीज की भी वांट हो सकती है, हमारी कुछ कंफर्ट्स की भी वांट हो सकती है, और हमारी कुछ लग्जरीज की भी वांट हो सकती है। नेसेसिटी मतलब वो चीजें जो हमें सर्वाइवल के लिए लगती है, कंफर्ट मतलब वो चीजें जो हमारी लाइफ को थोड़ा एफर्टलेस बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है, और लग्जरीज मतलब वो चीजें जो हम अपने प्लेजर या एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखा था गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब एनीथिंग व्हिच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट, सर्विस मतलब एनी सर्विस व्हिच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट। ये तो दोनों में कॉमन पॉइंट है, डिफरेंस क्या है? गुड्स हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड सर्विसेज डू नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस। गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तीसरा हमने देखा था यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वॉन्ट, मतलब कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को आपको आप कितना डेस्परेटली चाहते हैं उतनी ज्यादा आपके लिए उसकी यूटिलिटी होगी, जितना ज्यादा वो आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाई करेगी उतना ज्यादा आप उसके लिए पे करने को तैयार रहेंगे। तो जितना आप पे करने को तैयार है उतनी ज्यादा यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू तो किसी भी चीज की कीमत को आप वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अप्रोचेस में वैल्यू को बताया गया है। एक होता है वैल्यू इन यूज, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन उसका यूसेज बहुत ज्यादा है, यूज वाइज देखें तो उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कुछ फ्री गुड्स जो जरूरी है या फिर कुछ चीजें जो नॉमिनल कॉस्ट पर मिल जाती है बट बहुत जरूरी है, उनको बोला जाता है हाई वैल्यू इन यूज कमोडिटीज। और दूसरी होती है जिनके बदले में हमें कुछ कीमत देना पड़ती है, तो जो दिया जाता है उसको बोला जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज। हो सकता है आप कुछ गुड्स दें, हो सकता है आप पैसा दें। अगर आप पैसा देते हैं तो वैल्यू इन एक्सचेंज हो जाएगी प्राइस, अगर आप कुछ गुड्स देते हैं तो उन गुड्स की जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू इन एक्सचेंज। तो आप कुछ चीजों को चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं कि किन चीजों का वैल्यू इन यूज हाई है और किन चीजों का वैल्यू इन एक्सचेंज हाई है। जिन चीजों का वैल्यू इन यूज हाई है उनकी कीमत कम है, और जिन चीजों का वैल्यू इन एक्सचेंज हाई है उनका यूसेज कम है।
बाद हमने देखा वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या? वेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसको मार्केट में हम मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो वेल्थ में काउंट होगी। अच्छा, वेल्थ में काउंट होने के लिए उस कमोडिटी में चार कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहला, उस चीज की यूटिलिटी होना चाहिए, तभी जाकर वो मार्केट में बिकेगी। दूसरा, उस चीज की स्केयरसिटी होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा है तो फ्री में सब लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्राइस पे नहीं करेगा। तीसरा, एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट वेल्थ में काउंट नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी दो तरह की हो सकती है, फिजिकल एंड नोशनल। फिजिकल मतलब जिसको गुड्स को हम एक से दूसरे के पास मूव कर सकते हैं, और नोशनल मतलब गुड्स नॉन मूवेबल हैं बट उनकी ओनरशिप हम एक से दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। और इनबॉर्न क्वालिटी जो आती है होती है उनको आप वेल्थ में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने देखा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब अलग अलग सोर्सेस से कमाई गई इनकम को पर्सनल इनकम बोला जाता है। और वो ही पर्सनल इनकम में से जब हम गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्स माइनस कर देते हैं तो बची हुई इनकम को बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, ये लेना है क्या? फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मनी इनकम स्किप कर दूं? आज मैं भी बोर हो गई। किससे? पढ़ाने से या रिवीजन से? अच्छा, ये भी लेना है? अरे रे रे, बहुत इजी है वो। चलो फटाफट बता देते। फिक्स्ड इनकम जो फिक्स रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टेबल रहती है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज होती रहती है, तो फिक्स मतलब सैलरी, फ्लक्चुएटिंग मतलब प्रॉफिट। मनी इनकम जो करेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी इनकम होती है वो मनी इनकम होती है। रियल इनकम जो परचेसिंग पावर डिसाइड करती है, मतलब उन पैसों से हम क्या खरीद सकते हैं, वो रियल इनकम होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशन के कारण आपको हो रही है, जैसे रेंट वेजेस, वो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होती है। रेसिडुअल इनकम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करने के बाद जो बचता है, जैसे प्रॉफिट, उसको रेसिडुअल इनकम बोलते हैं। अर्नड इनकम मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके कमाई गई इनकम। और अनअर्नड इनकम मतलब कि ऐसे ही बैठे बिठाए जो इनकम हो गई उसको अनअर्नड बोलते हैं। चलो, नेक्स्ट वन वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने चार क्लासिफिकेशन देखे थे कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है एंड कंजम्पशन होता है। प्रोडक्शन बेसिकली यूटिलिटी को क्रिएट करता है। प्रोडक्शन करने के चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। लैंड को बोला गया है नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेस लैंड की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लेबर को बोला गया है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को यूज करके प्रोवाइड की जाती है। तो ह्यूमन बीइंग फिजिकल एफर्ट डालकर या मेंटल एफर्ट डालकर अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो लेबर है। अब लैंड के बदले में रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के बदले में रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेजेस या सैलरी मिलती है। कैपिटल को बोला गया है मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंसान ने पहले कैपिटल बनाई और उस कैपिटल को यूज करके कंज्यूमर गुड्स बनाए। तो जो जो गुड्स हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, ये सारी चीजें कैपिटल में आती है। कैपिटल के बदले में रिवॉर्ड क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेनर अगेन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि एंटरप्रेनर भी ह्यूमन बीइंग होता है। तो ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर। उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में क्या मिलता है? प्रॉफिट। वो एक्चुअली काम क्या करता है? ऊपर के जो तीनों फैक्टर है उनको सही कॉम्बिनेशन में यूज करके प्रोडक्शन कंप्लीट करना, दैट इज द टास्क ऑफ एंटरप्रेनर। चलो, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हमने क्या किया? सारे फैक्टर्स का पेमेंट कर दिया, मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनका जो जो पेमेंट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या किया? जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्सचेंज हुए, बाइंग सेलिंग के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचे हैं। तो एक्सचेंज में हम बाइंग सेलिंग करते हैं। इट इज ऑलवेज अगेंस्ट मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। पैसों के अगेंस्ट बाइंग सेलिंग ही इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज में आएगा, नॉर्मल एक्सचेंज नहीं आएगा। और लास्ट वन, जो भी गुड्स खरीदे गए हैं वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम किए जाते हैं। तो लास्ट इज कंजम्पशन। चलो, उसके बाद हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में हमने देखा कि सारी चीजें एग्रीगेट या टोटल लेवल पर स्टडी की जाती है। तो मैक्रो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम। व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब कंट्री में रहने वाले सारे लोगों ने मिलकर जितना पैसा कमाया, दैट इज नेशनल इनकम। तो वो कमाई निकालने का एक तरीका होता है। टोटल ओवरऑल जितना लोगों ने प्रोडक्शन किया और फाइनल प्रोडक्शन जो होता है उसकी मॉनिटरी वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी।
नेक्स्ट हमने देखा सेविंग। सेविंग मतलब इनकम का वो पार्ट जो हमने अभी खर्च नहीं किया, फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग से साइड में रख दिया। तो करंट कंजम्पशन को फॉरगो करके, करंट कंजम्पशन को कॉम्प्रोमाइज करके अगर हम कुछ पैसा फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साइड में रखते हैं तो वो जो साइड में रखा हुआ पैसा है वो सेविंग है। इन्वेस्टमेंट, अगर हम सेविंग को आगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कहीं लगा देते हैं कुछ रिटर्न अर्न करने की एक्सपेक्टेशन से, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। इट इज नोन एज मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग। ट्रेड साइकिल, जो अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आते हैं उनको ट्रेड साइकिल बोला जाता है। अगर बिजनेस अप फेज में है तो इट इज इन्फ्लेशन, अगर बिजनेस डाउन फेज में है तो इट इज डिफ्लेशन। तो कभी भी किसी भी चीज के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन साइकिल चल रहा है, और कभी भी किसी चीज के प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरते जाते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि डिफ्लेशन साइकिल चल रहा है। और फिर हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब इट इज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, और डेवलपमेंट का मतलब इट इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। अगर ऑटोमेटिक किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिक कोई चीज बढ़ रही है तो आप उसको ग्रोथ बोल सकते हैं, उसमें ह्यूमन एफर्ट, स्पेशल एफर्ट नहीं लगते हैं। और डेवलपमेंट स्पेशल एफर्ट करके किया जाता है, तो किसी भी चीज की क्वालिटी में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन बीइंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, फैसिलिटीज बढ़ गई, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आती है। तो डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता है, इनोवेशन के थ्रू होता है, जो ह्यूमन एफर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। चलो हो गया रिविजन, ये तो आज ही पढ़ाया था मैंने, बाकी का तो हाँ ये आज ही पढ़ाया था। तो अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। कौन सी डेफिनेशन लर्न करना है? मोबाइलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एनीवन इफ वांट्स टू आस्क एनीथिंग दे कैन आस्क। कोई पर्टिकुलर पॉइंट? पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी कहाँ पढ़ा आपने? अच्छा उसका मीनिंग बता रहे क्या मोबिलाइजेशन का? स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, विदाउट एफर्ट्स। हाँ, बुक में लिखे हुए कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन मतलब क्या, वो ऊपर ऊपर वाले ना, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये लर्न करना है ना, ये वाले आपको सारे डेफिनेशंस लर्न करने हैं सिर्फ इसमें, बाकी सब आप अपनी मर्जी से एक आधा डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। ये तो आपको सारी लर्न करनी है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कंट्री में रहने वाले सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से जो पैसा कमाया, किसी ने रेंट के थ्रू पैसा कमाया होगा, किसी ने सैलरी के थ्रू पैसा कमाया होगा, किसी ने प्रॉफिट के थ्रू पैसा कमाया होगा, किसी ने फीस के थ्रू पैसा कमाया होगा, तो इन सबकी इनकम को अगर हम क्लब कर देते हैं तो वो होती है नेशनल इनकम। आज का कल रिवाइज करेंगे, एक दिन तो जाने दो। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब देखो आपने सब लोगों की इनकम को ऐड कर दिया तो टोटल इनकम आ गई, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, और उस नेशनल इनकम को उस कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। समझा? किसने पूछा था पर कैपिटा इनकम? रोहिणी। हाँ मैक्रो में केनेथ का एक ही डेफिनेशन है ना, तो वो ही याद करना पड़ेगा। सिर्फ वो जो कल मैं पढ़ाऊंगी वो सारे याद रखो, बाकी सब में आपको जो पसंद आती है वो डेफिनेशन याद कर लेना।
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल एग्जाम्पल है कोरोना। अभी कोरोना आया, उस चक्कर में लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आया तो लोगों का प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ तो उतने वर्कर की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट कटिंग हो गई। कोरोना चला जाएगा, वापस डिमांड बढ़ेगी, वापस प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, वापस लोगों की जरूरत पड़ेगी, वापस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। चलो बाय बाय।